बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व आला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या हन्नान या मन्नान या ज़िल जलाली वल इकराम। हे अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह, हमें कलमे वाली मौत नसीब अता फरमा। या अल्लाह, हमें ईमान वाली मौत नसीब अता फरमा। या अल्लाह, हमको कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमें जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह, जो करोना की बीमारी में मुब्तला है, या अल्लाह, उनकी करोना की बीमारी से अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उन जल्दी से जल्दी जो भी करोना में बीमार है, अल्लाह सबको शिफाए कामिला नसीब अता फरमा। या अल्लाह, और या अल्लाह, ये करोना की वबा को हमारे मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए नस्तो नाबूद कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह, ये करोना की बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन, करोना की बीमारी से, एक्सीडेंट वाली मौत से, शैतान तूफान वाली मौत से, या रब्बुल आलमीन, तू हमारे हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह, हम पे तेरी रहमत का साया नसीब अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह, मुनकर नकीर के सवाल जवाब से बचा। या अल्लाह, जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल अता फरमा। या अल्लाह, जन्नत अल फिरदौस हम पर वाजिब कर दे। जन्नत अल फिरदौस, जन्नतुल नईम, जन्नतुल बकी, जन्नतुल अक्सा। या अल्लाह, जितनी भी सारी जन्नतें, उन सब जन्नतों का हमको मालिक बना। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, ईमान पे खात्मा नसीब अता फरमा। या अल्लाह, मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क से मौत से पहले अस्तगफार करने की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह, तू रहीम है, अल्लाह तू करीम है, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए। और मोहब्बत करने वाले डॉक्टर से हमारे को पाला पड़वाइयो। तो या अल्लाह पाक, डॉक्टरों के पास जाने की नौबत ही ना आवे। या अल्लाह, तू हमारे को डॉक्टरों से और पुलिस स्टेशनों से और वकीलों से, या अल्लाह, तू हमेशा हमेशा हमारी हिफाजत फरमा। और या अल्लाह, तमाम उम्मत के मुसलमानों की, या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। बिल्कुल भी मत कर या अल्लाह, सब मरीजों को शिफा दे। या अल्लाह, सब मरीजों को सेहत तंदुरुस्ती दे। या अल्लाह, जो बेरोजगार है उसको हलाल और पाकीजा रोजी दे। या अल्लाह, जो बेघर है उसको बंगला वाला, गाड़ी बंगले वाला घर नसीब अता फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद है उसे नेक और सालेहीन फरमा बरदार, माँ बाप की आँख की ठंडक वाली औलाद नसीब अता फरमा। और या अल्लाह, हमारी औलाद को हमारे लिए जन्नत का सामान बना, हमारे कलेजे की ठंडक बना। या अल्लाह, हमारे औलाद को पांचों टेम का नमाजी बना, हमारी औलादों को और हमारे अहलो अयाल को कुरान हाफिज बना। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। या रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों पे दरगुजर फरमा। या अल्लाह, तेरी रहमत का साया नसीब अता फरमा। या अल्लाह, मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक नसीब अता फरमा। या अल्लाह, ईमान वाली मौत नसीब अता फरमा। या अल्लाह, कलमे वाली मौत नसीब अता फरमा। या अल्लाह, मौत के बाद कब्र के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, कब्र की हर मंजिल आसानी से पार नसीब अता फरमा। मुनकर नकीर के सवाल जवाब आसान फरमा। और या अल्लाह, बिना कोई सवाल जवाब करे डायरेक्टली जन्नत अल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमा। अल्लाह, बिना सवाल जवाब करे जन्नत अल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें दुनिया भी जन्नत बना दे हमारी, और आखिरत भी जन्नत बना दे। या अल्लाह, दोनों जहाँ की जन्नत का मालिक बना दे हमारे को, और दोनों जहाँ की जहन्नम की आग से अल्लाह, तू हमारी हिफाजत फरमा ले। या रब्बुल आलमीन, हमको दोनों जहाँ की जन्नत का मालिक बना। या रब्बुल आलमीन, हमारे को दोनों जहाँ की जन्नत का मालिक बना। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी जन्नत बना दे, और या अल्लाह, हमारी आखिरत भी जन्नत बना दे। या अल्लाह, पूरे लोगों से हमारी हिफाजत फरमा, नेक लोगों में हमें शामिल फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, जिसने भी दुआ के लिए किया है मौला, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को तू अपने करम से, अपने फजल से कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन, हमारे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, और करोना की बीमारी से, एक्सीडेंट वाली मौत से, शैतान तूफान वाली मौत से, या अल्लाह, तू मेरी, मेरे शोहर की, मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों के बच्चों की, मेरे एहलो अयाल की, मेरे भाई बहन की, मेरे माँ बाप की, या अल्लाह, मेरे तमाम रिश्तेदारों की। या अल्लाह, यहाँ तक के मेरी वीडियो जो भी अभी देख रही है फ़िलहाल में,
या अल्लाह। और जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा है, जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या अल्लाह उन सब की या अल्लाह तू हमेशा हमेशा कोरोना की बीमारी से और एक्सीडेंट वाली मौत से या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा और जालिम हुक्मरान से हमारी हिफाजत फरमा या रब्बुल आलमीन। और हमें जब भी बीमार पड़े नेक डॉक्टर से हमारी हिफाजत फरमाइयो, आमीन। और या अल्लाह पाक मेरी दुआ टूटी फूटी दुआओं को अल्लाह पाक तू अपने नबी के सदके और तुफे मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लल्ला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आल इब्राहिम इन्नक हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लल्ला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आल इब्राहिम इन्नक हमीदुल मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत हसनत वकीना अज़ाबन नार या हन्नान या मन्नान या अज़ीज़ जलालिल वल इकराम। तो या अल्लाह ये अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी वीडियो मैंने भजिए तलते तलते आप लोगों को बताई कि दुआ पढ़ने की है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरे, जो भी यहाँ तक आप लोगों ने देखी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखो। और मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि रमज़ान महीना मुबारक महीना बस अब चंद दिन में जाने वाला है, तो जितनी हो सके भजिए तलते तलते दुआ पढ़ने का एहतमाम करने का, क्योंकि हर ख़वातीन के घर में यही टाइम होता है जो मगरिब का टाइम। तो भजिए तलने में आप लोग जाया बिल्कुल भी मत करो, भजिए तलते जाओ कोई बात नहीं, भजिया तलना बहुत ज़रूरी है। तो बस भजिए तलते तलते भी दुआ पढ़ सकते हो, दुआ कर सकते हो। तो दुआओं का ख़ास एहतमाम करो रमज़ान का महीने में, हो सके जितना हो सके उतना दुआ मांगो, जितना हो सके अपने दुआओं की अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो और जन्नत की तलब करो। तो बस मेरा यही मामूल है। तो देखो आज मैं बनाने वाली हूँ वाटर मिलियम का जूस, तो चलो फटाफट से बनाती हूँ वाटर मिलियम का जूस और आप लोगों को मैं वाटर मिलियम का जूस बना के दिखाना चाहती हूँ, लेकिन आप सबको शायद से आता भी हो और नहीं भी आता हो। ये मैंने जूस बहुत ही अच्छा बना था वाटर मिलियम का, इसमें मैंने फुदीना नींबू सब डाल के ने जूस बनाया है। और अभी रमज़ान का महीना है तो मैं कोई भी रेसिपी देना नहीं चाहती हूँ ज़्यादा करके, और मैं ज़्यादा आप लोगों का भी मेरी वीडियो देखने से आपका टाइम जावे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो बहुत कम आ रही है और मैं बहुत कम वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक एक मिनट मेरी एक एक सेकंड इबादत में जावे और मेरा सोना भी इबादत होवे, मेरा जागना भी इबादत होवे और मेरी वीडियो में भी इबादत होवे। तो बस इंशाल्लाह मैंने वीडियो भी जो भी बना लोग देखेंगे तो बस दुआ में याद रखना मेरे को भी, और आप लोग इस तरह से दुआ मांगो या इससे ज़्यादा अच्छी दुआ मांगो, मेरे को अच्छी दुआ मांगना नहीं आता है, फिर भी मैं आप लोगों के सामने मेरी टूटी फूटी दुआओं को पेश कर रही हूँ। तो अल्लाह पाक को टूटी फूटी दुआ बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद मेरी टूटी फूटी दुआ अल्लाह को पसंद आ जावे, मेरा अल्लाह राजी हो जावे और अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लेवे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस मेरी दुआ आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर से लिख देना, क्या पता किसकी आमीन से अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल कर ले। तो आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखो मैंने भजिए भी तल लिए, दुआ करते करते भजिए भी बना दिए, दुआ करते करते मैंने वाटर मिलियम का जूस भी बना दिया। तो बस शाम का टाइम मैं आजकल कुछ भी ज़्यादा खाना पीना बिल्कुल भी मैं कुछ ज़्यादा जो जिसमें मेहनत होवे ऐसी चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि मैं इबादत में ज़्यादा मेरे को शौक़ है, मेरा शौक है। और बहुत अभी की मैयता हो रही है, क्या पता आता साल अपने नसीब में है कि नहीं। तो जितना हो सके इबादत करो, अल्लाह को याद करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ताकि कल कब्र में अल्लाह पाक अपने साथ हो और कब्र की हर मंजिल आसान हो जावे। दुनिया तो क्या है, बस आँख मीची और दुनिया फना ख़त्म। तो बस दुनिया या मौज मस्ती का कोई मेला नहीं है, दुनिया अभी पासपोर्ट पे आए हो, कब अपना पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा उसकी भी अपने को कोई पता नहीं है। तो हो सके तो दुआएँ जितना हो सके रमज़ान में दुआ करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपने अल्लाह को मनाओ, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो। ने ये रमज़ान का टाइम ऐसा टाइम है कि एक सुभान अल्लाह बोलते हैं तो 70 सुभान अल्लाह का सवाब मिलता है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों मेरे बहनों जो भी मेरी वीडियो देखता है, तो हर एक सेकंड कीमती है, रमज़ान का पूरा महीना बहुत कीमती है। तो ये कीमती महीने को इस तरह से अपने हाथों से जाया ना करो, इबादत करके लूट लो,
पूरे साल की इबादत एक महीने में होती है। मेरा मकसद यही है कि बस मैं एक महीने में जितना भी हो सके इतनी इबादत करूं और अल्लाह से नेकी कमा लूं। तो आप लोग भी इस तरह से मेरी तरह इबादत करके नेकी कमा सकते हो, तो कमाओ कमाओ कमाओ। और ये देखो मेरा दस्तरखान सीधा सादा एकदम सिंपल, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, दिख रही है, सिर्फ भजिए दूध कोल्ड ड्रिंक बस इतना सा मेरे सोहर लिया है और बाहर से भजिए भी ले आते और बस कुछ नहीं। मैं अभी दस्तरखान सजाने में बिल्कुल नहीं मानती, बस मेरा दस्तरखान बिल्कुल सीधा सिंपल होता है। तो रमज़ान का महीना खाने पीने का महीना नहीं है, रमज़ान का महीना फुल इबादत का। तो देखो ये देखो कैसा कर रही है, सुनो पढ़ ले। हाँ जी लेते इसको थोड़ी देर गोद में, देखो सिपारे पलटा था। हाँ जी, हाँ जी ले लो। हाँ जी इसको उचको। हाँ जी इसको उचको। जा बेटा वहाँ चला जा, जा जाएगा नहीं, बीमार पड़ा है नहीं तो बस जरा उस इतरात आएगा क्या करने का। चलो मैं पढ़ लेती हूँ फिर ले फटाफट। तो ये नेक्स्ट डे की इफ्तारी का टाइम है और ये देखो फिर से मेरे वहाँ ये गिफ्ट, तो ये गुलमोर वाले ने हमारे वहाँ गुलमोर वालों ने भेजा है गिफ्ट। और मैंने आज फिर बनाए थे प्याज बटाटे के पकोड़े, तो बस मैं सीधा सिंपल बनाती हूँ। तो अल्लाह पाक रोज़दार के लिए देखो इस तरह से गिफ्ट भेजते हैं और उन्होंने क्या भेजा है मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो देखो ये लक्की ने, लक्की के वहाँ से आया है, तो ये लक्की दे के गया है बटाके पोहे और ये भजिए है और इसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खट्टा और ये दाल भात खट्टा है। तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक गुलमोर वालों ने सना मेमड के वहाँ से आया, ये बहुत प्यारे मेरे सब्सक्राइबर है ये भी। तो इन्हों की अल्लाह पाक हर एक जायज़ तमन्ना पूरी करे, उनकी हर बीमारी हर परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, उनकी हर मुसीबत हर परेशानी से अल्लाह पाक इन दोनों की हिफाजत फरमावे। तो अल्लाह के वास्ते देखो जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है नमाज़ पढ़ता है उसका खाने का इंतजाम भी अल्लाह करता है। क्योंकि आज मेरा दिल इतना था कि मैं राइस खाऊं चावल बना के खाऊं और मेरे घर में बनती है रोटी, क्योंकि मेरे बेटे को भी रोटी पसंद है और मेरे हबी को भी, और मैंने बनाई थी आज केरी की सब्ज़ी। तो अल्लाह पाक को मेरे दिल में मैंने ऐसा ख्याल करा कि काश आज मैं खिचड़ी बना लूं, लेकिन फिर मैं अकेले के लिए खिचड़ी बनाती हूं तो वो पड़ी रहती है, फिर मैं अकेली एक रोटी खा के मेरा चल जाता है गुजारा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी कल आज बेटी आने की है तो मैंने कहा बेटी आएगी तो खिचड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह खाएंगे। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी दबी सी कि मेरे को चावल राइस खाने का बहुत दिल था। तो अल्लाह ने गुलमोर वाले के दिल में रहम डाला और वहाँ उन्होंने टिफ़िन भर के मेरे वहाँ यानी टिफ़िन भेजा है, देखो ये पूरा टिफ़िन। तो मैंने ये रोज़ा खोल के भी खाया और सेहरी भी मैंने आज इनके टिफ़िन से ही करी, मैंने और मेरे बेटे ने हम दोनों ने पेट भर के खाया, इतना सारा भेजा था। अल्लाह पाक उनकी जायज़ तमन्ना पूरी करे, उनकी हर बीमारियों को अल्लाह पाक उनसे दूर रखे और गुलमर वालों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। और सना मेमन की भी अल्लाह पाक उसकी भी सब परेशानियों को दूर करे, अल्लाह पाक को छोटी बच्ची को कुरान हाफिज़ बनावे, पांचों टाइम की नमाजी बनावे, दीनदार बनावे, दिलदार बनावे और बच्ची के नसीब बुलंद करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप लोग भी अगर दुआ करवाना चाहते हो, और हाँ लकी भी अल्लाह पाक लकी को पायलट बनावे और या अल्लाह पाक उसको भी कुरान हाफिज़ बनावे, नेक नमाजी बनावे। और मेरा लकी बहुत स्मार्ट बहुत अच्छा बच्चा है और तो मेरे वहाँ रोज़ देने आता है, लेकिन मैं रमज़ान के में वीडियो शूट बहुत कम करती हूँ। लेकिन कल बस मेरा दिल हो गया कि मैं छोटी सी वीडियो शूट करूँ और जिसने भी मेरे वहाँ टिफ़िन खाना भेजा है उसको मैं दुआ दूँ। और आप लोग भी अगर दुआ लेना चाहते हो तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो कि मेरे लिए दुआ कर दो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए भी दुआ कर दूँगी। भले आप कुछ भेजो ना भेजो, दुआ का कोई चार्ज नहीं है, मैं फ्री ऑफ चार्ज आप लोगों के सब के लिए दुआ करूँगी। और मैं हर एक मेरी चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब करा है मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ। और जो अभी अभी ख्याल आ रही है कि मैं इनकी मैम की चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी खुशी के खातिर नवे बंदे अगर मेरी वीडियो देखते तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी अच्छी अच्छी दुआ पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जब भी दुआ दूँ आप लोग उसमें शामिल हो सको। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।